जन्नती कंफर्म, जन्नती यस हो कंफर्म, जी कंफर्म जन्नती। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, अपनी बात आज से 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले भी हो चुकी है। आपसे अच्छा मैं बात किया था, अपनी जो क्लिप है वो भी बहुत हिट हुई है, कोई अच्छा 8-8,000 व्यूज आए उसके ऊपर। अच्छा कौन सी वीडियो थी वो, डॉक्टर क्या जाकिर नाम था नायक उसका? वर्सेस डॉक्टर वो डॉक्टर जाकिर नायक के स्टूडेंट ने इस्लाम छोड़ दिया, हरीश प्रसन्न जी। ओ हाँ, अच्छा, वो आप थे। हाँ हाँ ओके ओके, यस यस यस, हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ तो आपसे मैंने लास्ट में ये बात की थी कि साहिल और जो है इंडियन एक्स मुस्लिम्स, इनके चैनल हाँ पे मैं गया था, तो अच्छा मैं पूछा साहिल को जाकर कि क्या भाई साहिल, तुम सिर्फ मुस्लिम मुसलमानों को ही पेलते हो, हिंदुओं को क्यों नहीं पर्दाफाश करते हो? तो मैंने पूछा तुम एक्स मुस्लिम हो या एचएस हो सिर्फ? तो उसने कहा कि भाई मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ, एचएस ही हूँ, ऐसा वो कहने लगा। तो उसके साथ आदम शिकर भी था उनके साथ में, तो आदम शिकर ने बहुत से जो है, तो जी, तो आदम शिकर ने रसूल अल्लाह को गालियां निकलवाई मेरे मुंह से, अच्छा और आदम शिकर कहने लगा कि भाई आप मुझे पंखा करे, एचएस, आप एचएस हो या एग्नोस्टिक हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो लोग हैं, आप जो हुस्नजम रख रहे थे साहिल के बारे में और जफर के बारे में, ये सिर्फ उसने हिंदुओं के क्या कंधों पर रख के। उसने, नहीं तो आपको चाहिए था ना, आप साथ साथ वहां पे, फिर अगर आपने हजरत मोहम्मद को बुरा भला कहा तो आपको चाहिए था साथ जी जी एक जीजस को भी पेल देते, कहते मैं तो एथियस हूं, हाँ, जीसस को भी पेल देना था आपने, आपको ये वो करना बात चाहिए ही नहीं था। करने दे रहा था, वो नहीं, वो एकदम जब भी बोल अटैकिंग रहा मूड में आ था, गया था, नहीं जब वो बोल एग्रेसिव रहा मूड में। था, जब वो बोल रहा था तो आपको चाहिए था उसको साथ पेल देते, जीसस को भी। चले इधर आके जीसस को पेल दें, आप क्या कहना चाहेंगे जीसस के बारे में? नहीं आपने नहीं हजरत नहीं मोहम्मद कोई को तो कोई बुरा बात नहीं, भला कोई कह बात दिया, आपने हजरत मोहम्मद को तो नहीं बुरा नहीं भला कोई कह दिया, जीसस को भी पेल दें आप? नहीं 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 वो हमारे ईसा अलैहि सलाम है, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, देखिए आप तो एथियस्ट हैं, अपना, आप तो एथियस्ट हैं, तो जी यस यस यस, एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक। फिर नहीं, तो अपना फिर मकसद आपको ईसा अलैहि सलाम देखो, कहां से आ गए? मैं एक तंजिया तौर पे कह रहा हूँ, नहीं, लेकिन आपने हजरत मोहम्मद के को दी, आपने हजरत मोहम्मद को बुरा भला कहा आपने? वो जो कह रहा था क्या पीडोफाइल और रेपिस, ये वो बस ये कहने लगा वो मुझसे बस। अच्छा, तो आपने, तो अगर उसने कहा, आपने कहा कि नहीं कहा? हाँ कहा ना मैंने, वो कंफर्म कर रहा था कि मैं हाँ, तो आपको चाहिए था साथ में, एग्नोस्टिक। नहीं तो, हाँ तो फिर आपको साथ हजरत ईसा को भी पेल देना चाहिए था ना, ये तो ज्यादती आपने की ना हजरत। हम बिलीव करते हैं इक्वल ऑफेंस में, इक्वल ऑफेंडिंग में। आपने सबको, आपने कहना भाई मैं एथियस्ट हूँ, सिर्फ एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक्स मुस्लिम एथियस्ट हूँ, तो हजरत ईसा को भी पेल दो, कृष्णा जी को भी पेल दो, राम जी को भी पेल दो, हजरत मोहम्मद को भी पेल दो, वो मोरमन को भी पेल, सब उन सारों को, बड़े बड़ों को पेल देना था, हजरत मूसा को भी पेल देना था। हाँ चलो जाने दो, मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि आप जो हुस्नज़्म रख रहे थे इनके ऊपर, ये सिर्फ हिंदुओं के टुनियों के कंधों पर अपना चैनल चला रहे हैं। आपके क्यों सब्सक्राइबर 1 लाख नहीं है? आपके क्यों 1.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं, नहीं है? क्योंकि मेरे नहीं मेरे आप सत्तर ऐसा बात हजार करते हैं। नहीं दूसरा चैनल है ये, मेरे पहले में हो गए थे हाँ 70,000, और वो चैनल फिर हाँ हाँ उसके पता है बाद मुझे। आगे, हाँ उसके आगे, तो मुझे हाँ दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। तो आपकी मैं और एक बार फिर तारीफ करूंगा, आप लोग जो है तो सच्चे सच्चे इंसान हैं, हक बात कहते हैं, वो सब झूठे दोगले थे साले वो सब। नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं, साहिल तो मेरा ख्याल नहीं गलत जबान इस्तेमाल करता, बट आई नो व्हाट यू मीन। साहिल को देखना चाहिए कि अगर साहिल हाँ गलत जबान खुद इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्हें चाहिए कि औरों को भी इस तरह की इस्तेमाल न करने दें, क्योंकि हजरत मोहम्मद को या हजरत ईसा को गालियां दे के तो कुछ नहीं होना। हाँ गाली देख के तो हाँ आप एक, यू नो आई मीन, आप उससे, यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। तो यस लेकिन अगर यस, कोई इनका मजबूर सिर्फ करे, काम है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर कोई आपको मजबूर करे ना आपसे सबूत लेने के लिए, क्योंकि एथियस का कलमा सुनने के लिए, तो फिर आपने सबको हाँ पेलना, ताकि अब ताकि इस तरह के जो दोगले हाँ लोग हैं ना, वो रगड़े जाए फिर बीच में। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। तो चले, अच्छा और अच्छा कोई और बात? एक बात ये करनी थी कि आप इंजीनियर साहब से मिलने की कोशिश बहुत कीजिए, वो बहुत से लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं, इंजीनियर को वो आड़े हाथों तो लीजिए आप। हम खतरनाक आदमी हैं, हम इतने वो हाँ नहीं है। इंजीनियर सबको इंटरव्यू दे रहा है, आप इंजीनियर से एक बार सिर्फ बात भी कर ले, इंटरव्यू भी ले ले, एचएसएम को बहुत तकवियत मिलेगी ये बहस के बाद।
नहीं वो मुझे ऐसा नहीं, लगता है। नहीं वो अब इंजीनियर साहब के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो बड़े आदमी है, वो कैसे, उनके लिए और प्रॉब्लम हो सकती है ना कि भाई ये बंदा गुस्ताख है या मुल्हिद है, तो उनकी उनकी बात और है, वो इसलिए वो उनके ऊपर होता है, वो जो आपसे ऊपर होता है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं चाहता। तो मैं तो नहीं हाँ मैं जाऊंगा किसी के भी पास, मैंने तो वैसे ऑफर दी भी उनको, क्योंकि इंजीनियर साहब ने तो ऑफर की भी है कि जो बड़ा है ना किसी भी, हर फिरके का जो बड़ा, जो देवबंदियों का सबसे बड़ा इंजीनियर साहब उससे बात करने के लिए तैयार है, बरेलवियों का सबसे बड़े से तैयार है, वापियों के सबसे बड़े से तैयार है, और अहले तशैयों के सबसे बड़े से तैयार है, तो उसी तरह मुल्हिदों का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान पाकिस्तानी वो आप ही हो, आप ही मेल हूं मैं ही हो, हूं, तो आप मुझसे और कर गालिब ले, भाई तो हो। मुझसे कर ले, लेकिन वो मुझसे करते ही नहीं है, बस बस तो वो ऐसे गया। वो तो बस छुप के रहते हैं वो। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।